Hello, my dear lovely kids. Once again, welcome back to my channel NEET AIIMS Biology Biomania. और बच्चों मैं हूँ आपकी बायो गुरु. अभी तक हम लोगों ने किंगडम प्लांट ही तक अपने चैप्टर्स को एनसीईआरटी के थ्रू पूरा कंप्लीट कर लिया है. हर एक पोर्शन को अच्छी तरह से समझ लिया है. अब हम आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में. एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते. ये कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को बहुत ईजी लगता है. ऐसा क्यों है? जो बच्चे उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, कुछ चार्ट्स का यूज़ करते हैं या हाईलाइटेड चीज़ों को जो पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ईजी होता है. बट अगर जो बच्चे उसको एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. साथ ही साथ में हर एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके माइंड में. तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले से ही हाईलाइट कर रखा है. हम इस चैप्टर की सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं, जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जहां से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, उन चीज़ों को ही पढ़ेंगे. तो आप अगर देखें पुराने पेपर्स को देखें तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको इस चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे. अभी तक जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके 5 आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो मतलब 5 क्वेश्चन तक तो आपके आ सकते हैं. तो वेटेज अच्छा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. और टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं आते हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हैं. उसके बाद में मैं आपको इस चैप्टर के जितना पोर्शन मैं आप लोगों को इसमें पढ़ा दूंगी इस वीडियो में, वहां तक कि मैं आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कहां से आ चुके हैं या कौन से आ सकते हैं वो भी बताऊंगी. तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा चैप्टर 4, दैट इज द एनिमल किंगडम. अच्छा, जो क्लासिफिकेशन है उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ रिसर्च ऐसे बढ़ती जा रही है जिससे कि नई नई स्पीशीज़ हमारे सामने आती जा रही है. तो उन स्पीशीज़ को एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें रखना होता है. ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें कहीं पे भी प्लेस कर दें. तो उनको सिस्टमैटिक मैनर में रखने के लिए हमें एक क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़. ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो किन पॉइंट्स के बेसिस पे कर रहे हैं. सो यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स हम लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन हो कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में, जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ रिलेशन बनाया जा सके. तो वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एनिमल किंगडम में किसी भी एनिमल्स में आप जितने भी आप स्टार्टिंग पोरीफेरा से लेकर के आप फाइनल कॉर्डेट तक पहुंच जाते हैं, तो भी आप किसी में भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है. सभी आपको पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, एग्जांपल्स दे देंगे कई सारे आपको, लेकिन किसी में भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में किसी के अंदर भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है. ठीक, अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो एनिमेलिया ग्रुप जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है. ठीक, अब जो मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला जो है वो है सेलुलर लेवल पे है, और दूसरा जो है वो टिश्यू लेवल पे है, और तीसरा जो है ऑर्गन है. यानी कि जो बहुत सारी पहले जो है सेल के बेसिस पे किया गया है सेलुलर लेवल पे, फिर उसके बाद में जब ये बहुत सारी सेल्स जो होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी तो देन दे विल फॉर्म द टिश्यूज. ये हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा है. तो टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे तो दे विल फॉर्म अ ऑर्गन. तो वो ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा. तो यहाँ पे इसीलिए 3 लेवल दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, द सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल. ठीक है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस में पाया जाता है बच्चों? इन स्पॉन्जेस. द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. ठीक है, सो दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर इसके बाद में देखिए आप, इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है वो किस में? सिलेंट्रेट्स में पाया जा रहा है. सिलेंट्रेट्स की क्या खूबी होती है? नाइडेरिया. ठीक है, इसको नाइडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें नाइडोसिस्ट पाई जाती हैं.
फिर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होगा जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होगा. सो ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिंथीज एंड अदर हायर फाइलम्स. ठीक है, जैसे कि इन एनिमल्स लाइक एनलीड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. अभी मैंने आपको बताया प्लेटीहेलमिंथीज से ऊपर जितने भी हैं उन सब में क्या पाया जा रहा है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं. सो दिस पैटर्न इज नोन एज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ें देखी जाती है, पहला जो होता है वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो दूसरा है उसकी और एडवांस फॉर्म दैट इज द कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है एक ही ओपनिंग होती है उसमें इनटेक के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि जो भी एक्सक्रीट कर रहे हैं. तो इट मींस माउथ एंड एनस बोथ आर परफॉर्म्ड बाय द ओनली सिंगल ओपनिंग. यहाँ आप देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिंथीज हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस. ठीक है, जब हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इट मींस वहां पे दो ओपनिंग होगी, एक माउथ होगी और दूसरी एनस होगी. ठीक है, यानी कि एक इनटेक के लिए होगी और एक एक्सक्रीट करने के लिए होगी. सो इन केस ऑफ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस. ठीक है, अब ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट. देन आफ्टर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो होता है ये दो टाइप का होता है, पहला होता है ओपन टाइप का, दूसरा होता है क्लोज टाइप का. तो जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि ब्लड जो होता है वो पंप किया जाता है हार्ट के बाहर एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इन इट, और जितने भी सेल्स टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली उसमें ही पड़े रहते हैं या उसमें ही प्रेजेंट होते हैं. दूसरा होता है क्लोज टाइप का, इसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो एक सीरीज ऑफ वेसल्स, यानी कि जैसे जो सीरीज ऑफ वेसल्स से क्या मतलब है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं जिनके अलग अलग डायमीटर होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनमें ब्लड फ्लो होता है एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी गुड. क्या, तो यहाँ पे हमने कौन सी तीन चीज़ें पढ़ी बच्चों? यहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जो कि तीन टाइप का था, हमारा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल. इसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, ये मैं आपको एक तरह से रिवाइज करा रही हूँ, उसमें दो टाइप्स थे इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट. फिर उसके बाद में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास में दो टाइप्स थे ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है सिमेट्री. सिमेट्री के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, ये आपको बताऊंगी मैं इसको पढ़ाने के बाद में. सिमेट्री मींस किसी चीज़ को कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मींस स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल होती है सिमेट्री, कौन कौन से टाइप दे रखे हैं, रेडियल सिमेट्री दे रखी है एंड तीसरी जो आपको दे रखी है दैट इज द बायलैटरल सिमेट्री. एसिमेट्रिकल जहाँ पे इसका मतलब आपको मीनिंग से ही पता चल जा रहा है कि क्लियर सिमेट्री नहीं है, माने कि जो इररेगुलर शेप के होंगे तो उसमें जो होगी वो एसिमेट्री पाई जाती है, सिमेट्रिकल पाया जाता है सिमेट्री. तो इसका एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस है. रेडियल सिमेट्री कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? रेडियल सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ एक्सिस जो है उससे होकर के जा रही है और किसी भी साइड में हम उसको ले सकते हैं. ठीक, तो किसी भी बॉडी उसको पूरा कट करेगी तो वो उसके इक्वल पार्ट्स में जाएगी. तो दैट इज किस में प्रेजेंट, तो दैट रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन सिलिंड्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव द काइंड ऑफ बॉडी प्लान. ठीक है, इकाइनोडर्म को डिवाइड तो कर रहे हैं ये रेडियल सिमेट्री के बेसिस पे, लेकिन अगर हम इकाइनोडर्म के लार्वा की बात करें तो लार्वा जो होता है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है, उसमें पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, ये याद रखिएगा. फिर उसके बाद में एनिमल्स लाइक एनलीड्स, ऑर्थोपोड्स एटसेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि बायलैटरल में एग्जैक्टली एक ही पॉइंट से कट किया जा सकता है और वो जो होंगे वो एग्जैक्टली हाफ होंगे और एक ओनली वन प्लेन पे ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं. तो दैट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री विच इज नोन एज द बायलैटरल सिमेट्री. ठीक, ये बायलैटरल सिमेट्री आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है. पहले ऊपर रेडियल सिमेट्री देख लीजिए, ये आप देखिए रेडियल सिमेट्री है. ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस से ले रहे हैं. फिर इसके बाद में ये देखिए बायलैटरल सिमेट्री है. बायलैटरल सिमेट्री जो है ये बिल्कुल सेंटर से कट करें तो ये इक्वल हाफ होंगे दोनों साइड. ठीक,
फिर इसके बाद में आती है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पर ढाई से पता चल रहा है आपको, यानी कि दो, और ट्रिप्लो मतलब कि तीन की बात हो रही है। तो किस चीज के दो और तीन की बात हो रही है? जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें दो लेयर पाई जाती हैं, दैट इज द एक्टोडर्म और दूसरी क्या होती है, एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो बाहरी होती है और जो एंडोडर्म होती है वो अंदर की तरफ होती है। इनको क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिनमें ये लेयर्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, सिलेंट्रेट्स, ठीक है। एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। इनके बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसको हम मीजोग्लिया के नाम से जानते हैं, वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है इसलिए इसको हम कोई अलग लेयर का नहीं कह सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए आप, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर, दैट इज मीजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, प्लेटीहेलमिंथी से लेकर के कॉर्डेट्स तक। तो जिनमें ऐसे एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहे हैं जिनमें कि तीन जर्मिनल लेयर पाई जा रही है, यानी कि एक्टोडर्म भी पाई जा रही है, एंडोडर्म भी पाई जा रही है, उनके बीच में जो मीजोग्लिया थी वो और एडवांस हो गई, फुली मैच्योर हो गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, मीजोडर्म में, एक इंडिविजुअल लेयर में बन गई। तो यहाँ पे तीन जर्मिनल लेयर है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दे रखा है, यहाँ पे आप ये देखिए ये एक्टोडर्म है और इसके बाद में सीधे अंदर आपको ये एंडोडर्म दे रखी है, ठीक है। तो दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक। अब अगर आप ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखें तो ये तो आपकी एक्टोडर्म हो गई, ये जो आपको रेड कलर से दे रखी है दैट इज द मीजोडर्म, एंड जो ये अंदर की तरफ है दैट इज द एंडोडर्म, ठीक है। तो दैट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट होने की वजह से हमारे लिए कितना सिंपल हो गया है इसको समझना, क्योंकि नहीं तो हमें एक एक लाइन सारी इसकी देख रहे होते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए ये चीज़ पहले से ही हाईलाइटेड है। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उनको ये PDF चाहिए हाईलाइटेड वाली, तो दे कैन गिव देयर ईमेल ID इन कॉमेंट सेक्शन और मैं उनको ये सेम डे पर ईमेल कर दूंगी। फिर इसके बाद आता है सीलोम। सीलोम जो होती है, सीलोम का मतलब होता है बच्चों कैविटी, गुहा जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एंड बिटवीन द बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल्स के बीच में होती है, ठीक है। तो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, यानी कि जो सीलोम के मीजोडर्म के थ्रू लाइंड होती है तो दैट इज नोन एज द सीलोम। अब सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, पहला है सीलोमेट्स, दूसरा है स्यूडो सीलोमेट्स एंड तीसरा है ए सीलोमेट। तो सीलोमेट तो और ए सीलोमेट अच्छे से हम समझ सकते हैं कि सीलोमेट मतलब जिसमें सीलोम पाई जा रही है। कौन है वो, एनेलिड्स हैं, मोलस्का है, ऑर्थोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, हेमीकॉर्डेट्स हैं एंड कॉर्डेट्स हैं। फिर आता है ए सीलोमेट जिसमें सीलोम नहीं पाई जाती है, तो वो कौन है, प्लेटीहेलमिंथीज है। एग्जाम में यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये आपका किसका डायग्राम है, पहला वाला सीलोमेट का डायग्राम है, आप ये प्रॉपर सीलोम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो ए सीलोमेट का, अब यहाँ पे आपको कोई सीलोम दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है आपका सी वाला ए सीलोमेट का। फिर आती है आपकी स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो स्यूडो सीलोमेट में क्या होते हैं, यहाँ पे आपको मीजोडर्म के पैचेस दिखाई देंगे, तो स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये मीजोडर्म के क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे पाउचेस दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट कम्स अंडर द स्यूडो सीलोमेट, क्लियर। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंट, बाहर से चाहे देखें या फिर हम इंटरनली बात करें तो बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है विद अ सीरियल ऑफ रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थ वॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज। अगर हम एग्जाम्पल लें अर्थ वॉर्म का, सब में नहीं होता है सेगमेंटेशन, एनलीड्स में पाया जाता है, ऑर्थोपोड्स में पाया जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसमें अर्थवर्म को देखें तो इसमें बॉडी जो होती है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रही होती है, और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिनमें नोटोकॉर्ड मतलब कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। पहले तो ओरिजिन क्या है वो देख लीजिए, मीजोडर्मल होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल विच डू नॉट
फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको कॉर्डेट्स कहा गया है, कॉर्डेटा कहा गया है, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है उनको क्या कहा गया है, नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हैं वो सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है बच्चों, कुछ बच्चे जिनके पास में ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है चार्ट, नई वाली में चेंज हो चुका है कुछ, इसमें ये पोर्शन जो है आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ है और ये पॉइंट जो है ये भी ऐड किया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं या अगर नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया आपको वही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एनिमेलिया है, मल्टी सेलुलर होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेलुलर फिर टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट पोरीफेरा होता है, फिर उसके बाद रेडियल और बायलैटरल हो गए इसमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल में। ए सिलोमेटा में आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आते हैं, बायलैटरल में आपका विदाउट बॉडी कैविटी विथ फॉल्स सीलोम विथ ट्रू सीलोम सिलोमेट ए सिलोमेट एंड सीडो सिलोमेट की बात हो रही है, उसमें कौन कौन से फाइलम है वो सारे दे रखे हैं, ठीक है। ये जो चार्ट है ये आपके क्विक रिविजन में काम आएगा। अब स्टार्ट होता है हमारा पहला फाइलम, दैट इज द पोरीफेरा। पोरीफेरा की क्या प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, इसमें जो है कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है, स्पॉन्जेस, एंड जनरली ये मराइन होते हैं और मोस्टली ये सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। और स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कैनाल सिस्टम के इसमें पाया जाता है, इसको थोड़ा सा पूछ लिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इंटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक है। इसमें जो वाटर है वो कहाँ से एंटर कर रहा है, इट एंटर्स फ्रॉम द ऑस्टिया, ऑस्टिया से फिर ये कहाँ पे जाएगा, बॉडी कैविटी जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं, और फिर उसके बाद में ये बाहर कहाँ से निकल जाएगा, ऑस्कुलम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लो होगा इसका वाटर का इस टाइप से होगा। फिर इसके बाद में आप देखिए जो पाथवे है ये वाटर का, ये वाटर जो इसमें आ रहा है ऑस्टिया से और ऑस्कुलम से निकल रहा है तो ये किस लिए है, यहाँ से क्या क्या काम हो जाते हैं, फूड गैदरिंग हो जाती है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाता है यानी कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी हो जाती है। तो क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। जो क्वाइनोसाइट होती है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होती है, क्वाइनोसाइट के प्रेजेंस भी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में किस प्रॉब्लम में प्रेजेंट होता है, तो ये जो होती है कॉलर सेल लाइंस होती है, और ये सेल लाइन कहाँ पे होती है, स्पॉन्जोसील में होती है और कैनाल्स में होती है, ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, बॉडी इज सपोर्टेड बाई अ स्केल्टन मेड अप ऑफ स्पिकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। जो बॉडी में स्केल्टन जो होता है इसका वो किससे बना होता है, स्पिकल्स से बना होता है और स्पॉन्जिन से बना होता है। सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, तो ये एग्जाम्पल्स आप लर्न रखिए, आपके हेल्पफुल रहेंगे। कभी कभी जो है एग्जाम में वो डायरेक्ट उसके साइंटिफिक नेम से नहीं पूछ लेता है, उसका जो कॉमन नेम होते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, जैसे साइकॉन है उसको स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं, यूस्पॉन्जिया जो है इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं सिलेंट्रेट्स जो होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, और द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट। इनमें ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ से ही ये निडेरिया नाम जो है इनका पड़ा है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्ट। ये मतलब एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है जो इसमें अवेलेबल होता है, जिसको हम नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। किस लिए नाइडोब्लास्ट का यूज किया जाता है, एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए। इसके अलावा इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि दो लेयर होती है, एक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है सेंट्रल में, इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ, और जिसको कहाँ पे होती है, दैट इज ऑन द हाइपोस्टोम, ठीक।
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसमें. सम ऑफ द नाइडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है स्केलेटन, किस में? वो भी कोरल्स में होता है. कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं उनमें टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती है जिन्हें पॉलिप कहते हैं और मेड्यूसा कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है. जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ बच्चों, तो वो या तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या वो पहले एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं. तो ऑब्वियसली पूछी जा चुकी है तो इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है ही. द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेम्सिया एटसेट्रा, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश. ठीक है, एक जो फॉर्म होती है हमारी वो होती है सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, एडेम्सिया हो गया. जबकि जो दूसरी फॉर्म है दैट इज द अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है ऑरेलिया और जैसे कि जेलीफिश. चलिए डायग्राम देखते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. ये जो फॉर्म होती है ऑरेलिया, आप ये देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है तो दैट इज एक्चुअली द मेड्यूसा. ठीक है, और दूसरी जो है ये एडेम्सिया फॉर्म जो आप देख रहे हैं, एडेम्सिया देख रहे हैं एग्जाम्पल जो देखा आपने, ये होती है आपकी पॉलिप. ठीक है, तो ये पॉलिप हो गई और ये कौन सी हो गई? मेड्यूसा फेस. दोज नाइडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि मेटाजेनेसिस. कुछ नाइडेरियन जो इनमें दोनों फॉर्म पाई जाती है, यानी कि पॉलिप भी पाई जा रही है और मेड्यूसा भी पाई जा रही है, तो उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. जो पॉलिप बनती है वो मेड्यूसा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने पे बनती है, एंड जो मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली. इट मीन्स पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूस, पॉलिप जो है वो प्रोड्यूस करती है मेड्यूसा को एसेक्सुअली, एंड जो मेड्यूसा है वो बनाती है पॉलिप को सेक्सुअली. एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया. ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आपको नाइडेरिया के क्या है? फाइसेलिया है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, एडेम्सिया जिसको सी एनिमोन भी कहते हैं, फिर है निटोला, सी पेन भी कहते हैं, गॉर्गोनिया सी फैन हो गया, मिंड्रीना ब्रेन कोरल भी कहते हैं. तो इसमें मेन जो है एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से नाम याद रखने हैं, बिल्कुल टंग टिप होने चाहिए इसको आप, ताकि एग्जाम में देखते ही आपको बिना टाइम वेस्ट करे आप आराम से आंसर लगा सके. जो फिर आता है नेक्स्ट फाइलम, दैट इज अ टीनोफोरा. इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वालिटीज इसकी इंपॉर्टेंट है, बट आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक तो नहीं आए बट आगे आ सकते हैं. इसको मेनली सी वॉलनट भी कहते हैं या फिर कॉमजलीज भी कहते हैं. मराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. डाइजेशन जो होता है इनमें वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एंड इंट्रा सेलुलर होता है. इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रॉपर्टी होना जिसका थ्रू वो लाइट एमिट कर सके, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ सेक्सुअल होता है, एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसके एग्जाम्पल जो है वो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना है. ये देख लीजिए प्लूरोब्रैकिया आपका एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा. बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी किसमें है ये याद रखिएगा इसका. ठीक है, और इसमें 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती है वो इसके लोकोमोशन में हेल्प करती है. अगर इससे टीनोफोरे से क्वेश्चन आता है तो वो इसी पे आएगा. फिर नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज. प्लेटी हेलमेंथीज जो होते हैं दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं इनकी बॉडी का, इसलिए इनको हम फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं. ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं और एनिमल्स ही नहीं, मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम सभी के अंदर ये जनरली पाए जाते हैं. और इनकी बॉडी में जो हुक्स होते हैं एंड सकर्स होते हैं उनके थ्रू ही ये अटैच रहते हैं स्किन से अंदर. और इसमें एक स्पेशलाइज्ड काइंड की सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिनका काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है. डेवलपमेंट जो होता है थ्रू मैनी लार्वल स्टेज होता है. सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. इसका एग्जाम्पल हो गया टीनिया एंड टेप वॉर्म. इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो फ्लेम सेल्स वाला पोर्शन है, इसको सोलेनोसाइट भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ये है आपका टेप वॉर्म का स्ट्रक्चर और ये है आपका लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर. इसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है एसके हेलमेंथीज. एसके हेलमेंथीज जो होते हैं इनको अगर कट करके आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको सर्कुलर दिखाई देगा, तो दैट इज द सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है. ये पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स.
and they have organ system level of body organization. They are bilaterally symmetrical. इनमें कौन सी symmetry पाई जाती है? Bilateral. Triploblastic होते हैं, यानी कि ectoderm, mesoderm and endoderm पाई जाती है. And pseudocoelomate होते हैं, यानी कि mesoderm के pouches पाए जाते हैं इसमें. So animal एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट होती है. एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीट है और इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है. एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर. जो एक्सक्रेटरी ट्यूब होती है वो रिमूव करती है, वो बॉडी कैविटी से होते हुए जाती है, एक एक्सक्रेटरी पोर होता है, उसके थ्रू सारा एक्सक्रीशन होता है. सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि डाइसियस होते हैं. फीमेल्स जो होती हैं वो जनरली लॉन्गर होती है मेल से. ये देखिए, ये फीमेल है एंड दिस इज द मेल. और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? राउंड वॉर्म, एस्कैरिस एंड विचरेरिया, जिसे हम फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं. फाइलेरिया वॉर्म इंपॉर्टेंट है. एंड एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम हुक वॉर्म भी कहते हैं. ठीक, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा. जो इंपॉर्टेंट लाइंस बता रही हूँ बच्चों, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए, बस आपका ये पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा. आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में. फाइलम एनेलिडा जो है, इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका. इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर होती है, यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. मैंने अभी बताया था आपको, सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं. और इसको क्या कहा जाता है? मेटामेरिसिस. एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं. और सेगमेंट्स जो होते हैं इनको हम सेगमेंट्स भी कहते हैं या फिर मेटामर्स भी कहते हैं. दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. इनके अंदर जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों पाई जाती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. एक्वाटिक एनेलिड्स लाइक नेरीज पोजेसेस लैटरल अपेंडेजेस. ये देखिए, ये नेरीज का डायग्राम है. और ये देखिए आप, ये जो दे रखे हैं ये लैटरल अपेंडेजेस हैं जो इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. नेफ्रीडिया, जिसका सिंगल टर्म होता है नेफ्रीडियम. ठीक है, कई सारे हैं तो नेफ्रीडिया कहा जाता है. सिंगुलर बात कर रहे होंगे तो वो नेफ्रीडियम होगा. हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है और दूसरा एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है ये. न्यूरल सिस्टम जो पाया जाता है उसमें गैंग्लिया पाए जाते हैं पेयर्ड. अगर सिर्फ एक गैंग्लिया की बात करेंगे तो दैट इज द गैंग्लियन. उसको हम क्या कहेंगे? गैंग्लियन कहेंगे. नरीज एन एक्वाटिक फॉर्म इज डायशियस. नरीज जो होती है इसकी एक्वाटिक फॉर्म होती है, डायशियस होती है, यानी कि मेल फीमेल अलग होते हैं. और बट अर्थ फॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस, जबकि अर्थ फॉर्म्स और लीचेस जो है वो मोनोशियस होते हैं. एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल होता है. इसके एग्जाम्पल क्या है? नरीज, फेरेटिमा, पोस्तुमा यानी कि अर्थ फॉर्म, हेरोडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच. ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं दो, हेरोडिनेरिया का और नरीज का. इसके बाद आता है नेक्स्ट फाइलम ऑर्थोपोडा. ये जो है सबसे बड़ा फाइलम है बच्चों, लार्जेस्ट फाइलम है. लगभग दो तिहाई आप समझ सकते हैं कि इसमें जो स्पीशीज हैं अर्थ में वो ऑर्थोपोड्स ही हैं. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंट होते हैं बॉडी में और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं. ठीक है, इनकी जो कवरिंग होती है बॉडी पे वो एक काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है और ये इंपॉर्टेंट है. बॉडी में तीन पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, जिसमें जिसके बेसिस पे ही इनका नाम पड़ा है कि ऑर्थो मतलब जो होता है वो होता है जॉइंट, और जो पोडा मतलब होता है उसका मतलब होता है अपेंडेजेस. रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, बुक लंग्स होते हैं एंड ट्रैकियल सिस्टम होता है. फोर टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है. ओपन टाइप मतलब कि सारे सेल्स एंड टिश्यूज जो होते हैं वो उसमें ब्लड में ही सबमर्ज रहते हैं. एंड सेंसरी ऑर्गन जो होता है इसमें एंटीना होता है, आइज होती हैं, आउज जो होती हैं वो कंपाउंड भी होती हैं एंड सिंपल होती हैं. स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. एक्सक्रीशन जो होता है वो मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स का थ्रू होता है. तो मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स किसमें पाई जाती हैं ये आपको पूछा जा सकता है. ठीक, देखिए आपने देखा कितना ज़्यादा एक्सक्रीशन का हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट है और उनके अलग अलग नाम हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं क्वेश्चंस. ठीक है, उनके नाम पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दे आर मोस्टली डाइसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल होता है. एंड दे आर मोस्टली ओवीपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है. कई तरह के इसमें हैं एग्जाम्पल, आप देखिए जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वो एपिस है यानी कि हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म, लैसीफर यानी कि लैक इंसेक्ट. कुछ वेक्टर्स होते हैं यानी कि डिजीज को ट्रांसमिट करने वाले होते हैं, वो होते हैं एनाफिलीस, क्यूलेक्स एंड एडीज. फिर है ग्रेगेरियस पेस्ट है लोकस्टा,
एंड लिविंग फॉसिल में होता है लिमुलस, यानी कि जिसको हम किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, पहला कौन सा है ऑर्थोपोडा, उसके बाद जो है अगर कोई लार्ज तो वो मोलस्का है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, और बॉडी जो होती है वो इनकी एक कैलकेरियस शेल से कवर होती है। देखिए एंड इसमें जो होता है तीन सेगमेंट्स मेनली होते हैं, हेड होता है, दूसरा होता है मस्कुलर फूड और तीसरा होता है विसरल हम्प। एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। जो हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होती है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल कैविटी कहा जाता है। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके पास में क्या काम होता है, एक रिस्पायरेशन का काम होता है और दूसरा एक्सक्रीशन का काम होता है। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। इनके माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, किस लिए होता है, फीडिंग के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडुला। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डायग्राम आपको पहला जो दे रखा है दैट इज ऑफ पाइला, एंड जो दूसरा डायग्राम आपका है वो ऑक्टोपस का है। एग्जाम्पल डायग्राम एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे यहाँ तक में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अगर हम देखें इसमें तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दो पार्ट दे रखे हैं, मैचिंग करनी है आपको यहाँ पे, पाइला, बॉम्बिक्स एंड प्लूरोब्रैंकिया, एंड दूसरा क्या है, टीनिया। और जो उसके आपके फ्रंट साइड में दे रखे हैं दैट इज फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लेट्स, रेडुला एंड मेल्पिगियन ट्यूबुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द सेकेंड वन, यानी कि जो पाइला होता है वो आपको अभी मैंने बताया मोलस्का का एग्जाम्पल है, वो मोलस्का को होता है, और उनके माउथ में जो होता है वो रेडुला पाया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताई ये चीज़, और यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो सकती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट, और ये नीट में आ चुका है एग्जाम में आपके। फिर जो बॉम्बिक्स होता है वो एक ऑर्थोपोड होता है, और एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्पिगियन ट्यूबुल, और बॉम्बिक्स ऑर्थोपोड है तो मेल्पिगियन ट्यूबुल के थ्रू उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है। फिर है आपका जो थर्ड है प्लूरोब्रैचिया, तो प्लूरोब्रैचिया एक टीनोफोर होता है, और इसकी बॉडी बियर करती है एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स, 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, उसके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं ये। फिर है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो है टीनिया। टीनिया जो है एक प्लेटियल मेंथ्रीज है, और इसमें स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, और ये काम करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन का और या फिर एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, एन एसीलोमेट एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री। ये 2008 में आ सक चुका है मेडिकल एग्जाम में, और इसका करेक्ट जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो है जेलीफिश, लिवर फ्लूक, क्रैब एंड राउंड वॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लिवर फ्लूक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एन इंटरमीडिएट होस्ट इज एबसेंट इन केस ऑफ पैरासाइट। ये BHU के मेडिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपका इसमें एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो है लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म, एस्कैरिस एंड प्लाज्मोडियम। तो जो इंटरमीडिएट होस्ट में एबसेंट होता है जिसमें, तो वो क्या है आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज द सी ऑप्शन, एस्कैरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इससे इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स आर मेन एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ। ये भी BHU में ही एग्जाम में पहले भी पूछा जा सकता है, नीट में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है बच्चों। तो फ्लेम सेल्स मैंने अभी आपको बताया था जिनको सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्लेटी हेलमेंथीज में प्रेजेंट होती हैं, उनका स्पेशल कैरेक्टर होता है ये। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है प्लेटी हेलमेंथीज वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आता है, फीमेल एस्कैरिस इज डिफ्रेंशिएबल फ्रॉम मेल इन। फीमेल एस्कैरिस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मेल से, ये भी मेडिकल एग्जाम में आ चुका है पहले, काफ़ी पहले आया था। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, प्रेजेंस ऑफ पीनियल सीटी सीटा एंड शॉर्टर साइज एंड स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। तो इसमें जो है स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड। ये जिपमर का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों पहले, और इसमें जो ऑप्शन आपके पास में है, इंट्रोसील, बी सिलेंट्रॉन, सी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड डी इज द बोथ बी एंड सी। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी सिलेंट्रॉन एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
हाइमेनोलेपिस नाना इज, ये नाम दे रहा है यहाँ पे आपको एक किसी स्पीशीज का, किसी एनिमल का, तो उसका आपको ऑप्शन दे रखे हैं डॉग टेप वॉर्म, डॉफ टेप वॉर्म ऑफ मैन, पोर्क टेप वॉर्म एंड डेड मैंस फिंगर। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, वो है आंसर सेकेंड आपका डॉफ टेप वॉर्म ऑफ मैन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से कौन सा आ सकता है, फाइलेरिया इज स्प्रेड बाय, फाइलेरिया भी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, तो इसमें ऑप्शन आपके पास में बेड बग है, नो, मॉस्किटो, फाउस फ्लाई, फ्लिया एंड फ्ली। तो करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको उसी वक्त बताया था, फाइलेरिया जो होता है वो मॉस्किटोज के थ्रू फैलता है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है मॉस्किटो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद में देखिए, इन स्पॉन्ज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ पे होता है स्पॉन्जेस में, प्रोगैस्ट्रिक कैविटी स्पॉन्जोसील में, या ऑस्कुलम में, या ऑस्टियम में, या फिर फूड वैक्यूल्स में। तो बताया था मैंने आपको जो ऑस्टिया होता है वहाँ से वाटर करंट एंटर करती है, फिर स्पॉन्जोसील, जो स्पॉन्जोसील है बीच में बॉडी कैविटी, वहाँ से होकर के गुजरती है और फिर निकलती किससे थ्रू है, ऑस्कुलम के थ्रू निकलती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, डाइजेशन होना है यहाँ पे, तो वो होता है एक्चुअली बच्चों फूड वैक्यूल्स में, कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्या बन सकता है, मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। जो फाइलम आपको दे रखे हैं, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ्यूरा, फाइसेलिया, पिनेक्टाडा एंड प्लेनेरिया, और जो बी साइड में आपको दे रखा है दैट इज मोलस्का, प्लेटी हेलमेंथीज, इकाइनोडोमेटा एंड सिलेंट्रेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि जो आपका ऑफ्यूरा है दैट इज फ्रॉम इकाइनोडोमेटा, एंड जो आपका फाइसेलिया है दैट इज फ्रॉम सिलेंट्रेटा, एंड जो सी आपका है पिनेक्टाडा वो है आपके मोलस्का से, एंड जो प्लेनेरिया है बच्चों वो है आपका प्लेटी हेलमेंथीज से। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे फाइलम इसने एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ट्रू सीलोम पाई जा रही है और सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है। ऑप्शंस आपके पास में है एडल्ट इकाइनोडर्म्स, एसके हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज एंड एनालीड्स। तो इसमें एनालीड्स जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें ट्रू सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स, ये फीचर्स दे रहा है और इसके बेसिस पे आपसे पूछ रहा है, कौन से फीचर्स कह रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री है एंड ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पजेजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द एनिलीडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एनिलीडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है वो प्रेजेंट होता है एनिलीडा में, ऑर्थोपोडा में एंड कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, और इनमें ऑर्गन लेवल्स का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है और ये सारे ट्रू सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं यानी कि, और इन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। सो बच्चों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट में बनाऊंगी उसमें बचे हुआ पोर्शन जो है वो सारा कवर कर दूंगी और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने जो चैप्टर के एनसीईआरटी पार्ट्स बना रखे हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक कीजिए, कुछ सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली इंक्लूड योर सजेशन इन माई वीडियोज़। सो गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अच्छे वीडियोज़ के अपडेट टाइमली मिलते रहें, ताकि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो और स्ट्रांग होती रहें। मेरा मेन मोटो यही है, आप लोगों को एक इस प्लेटफॉर्म पे सारी नॉलेज अवेलेबल कराना, तो उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये सजेशन मुझे आपके थ्रू ही मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए मुझे अच्छे पॉइंट्स, मैं उनको डेफिनेटली इंक्लूड करूँगी। सो गाइज, अगर अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने इंस्टा पेज में डेली क्वेश्चंस ज़रूर अपलोड करती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपलोड करती हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। So follow me on Instagram also guys, and thank you for watching this one, and enjoy the knowledge and stay tuned with Biomania. Bye bye.